I'm faculty of Sandipani Higher Secondary School. We already started chapter number 6. Chapter number 6 is integer. Today we will start exercise 6.3. हमने chapter number 6 start किया था. Chapter का नाम था हमारा integer. उसमें हमने 6.1, 6.2 complete कर ली थी. अब हम करेंगे 6.3. इस chapter में मैंने आपको integer क्या होते हैं ये बता दिया है. पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, इसके टाइप्स बता दिए थे. उसके बाद हमने नंबर लाइन वाले क्वेश्चन भी किए थे. नंबर लाइन से भी हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था. उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिए थे कि साइन चेंज हम कैसे करते हैं. जैसे हम साइन कैसे चेंज करते हैं, प्लस यदि हम इंटीजर सॉल्व करते हैं, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है. अब जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आप क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है बुक में 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम. सम मतलब क्या होता है, प्लस. सम मतलब हमको क्या करना है, टोटल वैल्यू या प्लस करना है. अब क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन 35 माइनस ब्रैकेट ऑफ 20. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू बेटा, वी विल ओपन द ब्रैकेट. हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप हमारी 35 माइनस, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 35 माइनस 20. अब 35 में से हमको कितना माइनस करना है, 20 माइनस करना है. हम 35 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 कितना होगा, 5 माइनस 0 इज व्हाट, 5 ओनली, और 3 माइनस 2 इज व्हाट, 1. सो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज ओनली 15. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नंबर 2. ब्रैकेट में आपको देके रखा है यहाँ, ब्रैकेट ऑफ माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ऑफ 30. ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो है हमारे पास अभी ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये ब्रैकेट में माइनस 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20. माइनस 20, फिर यहाँ पे साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस है, तो हमने यहाँ पे लगाया माइनस. ठीक है, माइनस लगाने के बाद ये वाला जो 13 है इसके पास में कुछ भी साइन नहीं है ना, तो ब्रैकेट क्लोज करके हम लिखेंगे 30. अब आप देखो अपने पास क्या हो गया है, यहाँ पे माइनस के 20 और माइनस के 30. माइनस 20 माइनस 30. अब हमको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. दिस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, है ना, या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा. जब माइनस माइनस प्लस होगा तो हम प्लस करेंगे, तो बेटा जीरो में अगर हमने 3 प्लस किया तो हमको क्या मिलेगा, जीरो में 3 प्लस किया तो 3, और 2 में अगर हमने 1 प्लस किया तो हमको क्या मिलेगा, 3. अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा आंसर है वो निगेटिव प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, मतलब निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. तो ये हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो बड़ा नंबर यदि पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, यदि बड़ा नंबर निगेटिव होगा तो आंसर भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा. अब हम यहाँ देखें कि ये बड़ा नंबर, दोनों यहाँ पे माइनस है, बट बड़ा नंबर 20 है, वो काई में है, हमारे पास माइनस में है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस 33. ओके, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, 23 माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, माइनस 12, है ना. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से सेम प्रोसीडर फॉलो करेंगे और इस यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. मतलब ये क्या हो गया हमारा, 23 माइनस. अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखो, जैसे ये माइनस 12 है, ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है. अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना. साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है. तो जो ये 23 है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और ये 2. ठीक है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा. अब यदि आप 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 1 3. तो आंसर विल बी व्हाट, 35. आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा,
पॉजिटिव आएगा क्योंकि 23 हमारे पास बड़ा नंबर है और ये नंबर जो है हमको पॉजिटिव में देके रखा है। यहाँ पे प्लस का साइन मतलब कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 35। ठीक है, दिस इज नाउ लास्ट क्वेश्चन वी विल सी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, -32 ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट -32 माइनस ब्रैकेट ऑफ -40। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इसके ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, -32। आफ्टर दैट बेटा वापस हमें क्या करना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का साइन है और ब्रैकेट जो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या का साइन है आपके पास, माइनस का है। तो माइनस माइनस व्हाट, प्लस, ये हमने पहले ही पढ़ चुके, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, माइनस माइनस हमने ब्रैकेट हटा दिया तो प्लस करा, तो यहाँ पे इसीलिए हमने प्लस लिखा। अब -32 और +40 क्या है, -32 और प्लस के 40। अब आप ये देखोगे कि माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा वापस से माइनस, फिर हम 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 32। यदि आप 40 में से 32 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, देखो 0-2 पॉसिबल नहीं है, तो 3 से हम कैरी ओवर ले लेंगे यहाँ पे 10। ठीक है, सॉरी बोरो ले लेंगे, 4 से अगर हमने यहाँ पे बोरो लिया तो 3 हो गया 10, 10-2 इज 8 एंड 3-3 इज व्हाट, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 40 जो है बड़ा नंबर है और ये काय में है, पॉजिटिव में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट इन योर एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन, बट फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन बेस्ड ऑन दिस, है ना, ये आपको करना आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप इजीली सॉल्व करोगे। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज लास्ट वन, ओके। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये अभी हम कौन सा देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का। ये जो हमने बेटा पहले क्वेश्चन किए ना उसी पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्रैकेट ऑफ -7, -8 माइनस ब्रैकेट ऑफ -25। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं, उसके लिए हमको ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे देखो ब्रैकेट हटाए तो -7, ठीक है, -8 यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, +25। ठीक है, बस हमको ये ध्यान रखना है साइन चेंज करते समय कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस भी माइनस। ठीक है, अगर आप ये जो साइन है ये इंटरचेंज हम कैसे करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, -7 -8 +25 -7 -8। अब -7 + 8 कितना होता है, माइनस माइनस उस हमसे सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 7 = 15। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो बट हमारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये जो बड़ा साइन है यहाँ पे 8, ये काय में है बेटा, माइनस में है, -15। ये दो डिजिट सॉल्व हो गई, दो इंटीजर्स। अब बचा हमारे पास +25। अब वापस से हम देखेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 - 5 इज व्हाट, 0, 2 - 1 इज व्हाट, 10। आंसर विल पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज द बिग नंबर इज इन पॉजिटिव, बड़ा नंबर यहाँ पे काई में है, प्लस में है, तो हमारा आंसर भी काई में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट गिवन, ब्रैकेट ऑफ -13 + 32 - 8 - 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे -13 है, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बेटा, -13 + 32 - 8 - 1। ठीक है, अब हम देखेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखो बेटा, -13 + 32
-8 और -1 करते जाइए इसको सॉल्व। -13 पहले हम छोटे डिजिट सॉल्व कर लेते हैं, 32 और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन काय का आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -8 है और -8 बड़ा है -1 से, और अपन ने अभी इन दोनों से को देखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। जब माइनस प्लस माइनस होता है तो हम 13 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अब इधर आप देखो, 13 में से 32 माइनस करके देख लीजिए, आएगा 19 आपके पास, 13 है ना। 2 - 3 इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 3, सो वी कैन बोरो फ्रॉम दिस डिजिट 2 और यहाँ पे 12। 12 - 3 इज़ वॉट, 9, और 2 - 2 इज़ वॉट, सॉरी 2 - 1 इज़ वॉट, 1। अब आप ये देखेंगे कि साइन हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 32 वो क्या है, पॉजिटिव है। तो 19 - 9 हो गया सॉल्व। अब 19 - 9 इज़ वॉट, 10। आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर प्लस में आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि 19 प्लस में है यहाँ पे, और ये बड़ा नंबर है। ओके, नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब क्या लिखा है देखो, 50 - (-40)(-2)(-2). फर्स्ट विल ओपन द ब्रैकेट, सो ये 50 है, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 40 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना, मतलब सारे यहाँ पे प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस। अब 50 + 40 हमारे पास क्या हो जाएगा, 90, प्लस के 2 बाकी है, और 90 + 2 इज़ वॉट, 92। ठीक है, सो एक्सरसाइज 6.3 इज कम्प्लीटेड, आई लेफ्ट 2 क्वेश्चन एंड दिस इज ओनली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, इजिली यू कैन सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड।